वेरी गुड मॉर्निंग क्लास वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो चिल्ड्रन, वेलकम टू मैथ क्लास। तो आज हम क्या लर्न करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम पेज नंबर 21 से वंस एंड टेन से स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 21। नाउ टेंस एंड वंस एंड टेंस। ओके, वंस टेंस एंड नेम्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 11 टू 20। तो हम वंस टेंस और नंबर नेम्स जो हैं 11 टू 20, ठीक है, ये करेंगे इसमें। आफ्टर अ फ्यू डेज हेतल्स टीचर्स टॉक टू हर। आफ्टर अ फ्यू डेज, वैसे आपकी मैम भी बहुत दिनों बाद ही आप लोगों से मिल रही है ना, आफ्टर वन वीक। तो ओके, हाउ आर यू फीलिंग हेतल? तो आई एम हैप्पी मैम, आई हैव मेड न्यू फ्रेंड्स नाउ। अब आपके और फ्रेंड्स भी बन गए है ना, आप भी अपनी क्लास में और भी बच्चों को जान गए ना, अभी हम और जानेंगे धीरे धीरे है ना। आई हैव ऑल्सो लर्न न्यू थिंग्स अबाउट नंबर्स इन ग्रेड वन। आपने और भी कई सारी चीजें ग्रेड वन में लर्न करी है ना, हमने अभी इससे पहले ऑड इवन करे, नंबर नेम्स करे, राइट? सो दैट इज ग्रेट। डिड यू लर्न नंबर इन प्रेप? यस, आई लर्न टू काउंट टिल 99। आपने 99 तक नंबर्स लर्न करे थे ना। नाउ लेट्स अस नो हाउ नंबर्स आर मेड। ये नंबर्स जो हैं, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि हाउ नंबर्स आर मेड, नंबर्स कैसे बनते हैं है ना, कैसे करते हैं। आई ऑब्जर्व, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ आपकी स्टिक्स हैं, राइट? ईच ऑफ दी सिंगल स्टिक शोज वंस। जो भी यहाँ पे सिंगल स्टिक्स होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये क्या शो करती हैं, वंस। ओके, और यहाँ पे देखो, ये जितनी स्टिक्स हैं, इनका क्या बना दिया, एक हमने इनको आपस में कनेक्ट करके एक बंडल बना दिया है ना। तो बंडल ऑफ टेंस स्टिक्स शोज 10 वंस और 1 टेंस। जब हमने इन सारे स्टिक्स को पास में करके बंडल बना दिया, तो ये क्या बन गया, ये 1 टेंस बन गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सिंगल है, स्टिक सारे दूर दूर है ना इस बंडल में, और यहाँ पे कितनी स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टिक्स का जो बंडल है वो हमारा क्या है, जो 10 स्टिक्स हैं वो क्या है हमारी, 10 वंस हैं। और ये जो हमने सारे स्टिक्स को एक साथ पास में करके बंडल कर दिया, जो अब एक दिख रही है, इसमें आप इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 टेंस हो गया। ओके, टेक आइसक्रीम स्टिक्स और बीन्स टू शो नंबर्स एज वंस एंड टेंस इन क्लास। आई एक्ट, सी द पिक्चर्स एंड रीड द नंबर नेम्स, राइट वंस एंड टेंस इन द नंबर शो विद आइसक्रीम स्टिक्स, वन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। अब यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल है, जैसे सपोज यहाँ पे हमारी सेम वैसे ही 10 स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, और एक स्टिक हमारी सिंगल है। तो इसको अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, 10 और प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 11 हो गया, राइट, 11। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, 11 में हमारा, अब ये जो है ये तो एक हो गया है ना, तो हमारा 1 टेंस हो गया, एंड ये एक ही है क्योंकि स्टिक, तो ये हमारा 1 वंस हो गया। ओके, आई होप अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, आगे की हम एक्सरसाइजेस जब कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको और क्लियर होता जाएगा। ओके, नाउ टर्न योर पेज। हाँ, यहाँ पे देखते हैं स्टिक्स, अब यहाँ पे भी सेम 10 है हमारी, ठीक है, ये 2 हमारी सिंगल है, तो ये क्या हो गया, 10 प्लस 2 कितना होता है, 12, राइट? तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने 10 को कैसे लिखना था, यहाँ पे 1 लिखना था, राइट? तो 1 हमारा टेंस है, एंड ये हमारी 2 स्टिक्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 वंस। ओके, सेम ऐसे ही
ये 10 है बंडल और ये स्टिक्स हमारी 3 हैं जो इंडिविजुअल हैं, तो ये कितना हो गया 13। तो 13 को हम कैसे लिखेंगे, 1 हमारा 10 से एंड 3 हमारे 1 से। ओके सेम ऐसे ही 14 में करेंगे, ये 10 और प्लस 4 ये कितना हुआ 14। तो 14 में हमारा 1 10 से एंड 4 हमारा 1 से। ओके अब आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर 5 6 7 8 9 ये आपको करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया जैसे मैम ने अभी किया, ठीक है ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट 19 एंड वन मोर वंस इज 20, ठीक है 19 प्लस 1 कितना होता है हमारा, अगर 19 में हम 1 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 20, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे 10 का ये बंडल है, ठीक है अब ये कितनी स्टिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हमारी क्या है सिंगल है, अलग है ना। तो लेट्स काउंट एंड चेक, ये हमने काउंट करी 10 हो गई, तो अब ये भी हमारी 10 है और अगर इसको 1 को भी हम यहाँ पे ही कर दें तो ये भी हमारा 10 ही है ना। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, तो 20 को हम कैसे लिखेंगे 2 हमारा 10 से एंड 0, अब 20 में तो 0 आया ना एंड में, तो 0 हमारा 1 से। ओके अब नाउ आई नो व्हाई देयर इज अ 0 इन 20, इट मींस इट हैज 2 10s एंड नो 1s। अब यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि हमारे 2 10s हैं, है ना, ये भी बंडल 10s है और ये भी बंडल 10s है, तो दोनों को काउंट करेंगे तो 2 10s हो गए ना, लेकिन हमारा 1s कुछ भी नहीं है। ओके If I open these two tens bundles, I will get 21s, right? So, अब नीचे वाली एक्सरसाइज देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, अब इसमें आपको क्या करना है 1 10s and 3 1s। अब इसमें 1 10s हमारे कैसे काउंट करेंगे हम, ये हमारा जो बंडल है ये हमारा क्या है 1 10s है, राइट ये हमारा 1 10s है ना सारा, तो अब इसकी हमें मैचिंग करनी है ना। कैसे मैचिंग करनी है, सपोज 1 10s and 3 1s, तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि 1 10 plus 3 3 1s कहाँ पे, तो यहाँ पे है हमारे ये देखो ये रहा, ठीक है ये 1 10 है और प्लस 3 का हमारा जो बंडल है ये हमारा 3 1s है। ओके ऐसे ये वाला देखते हैं 1 10s and 2 1s, है ना। अब 1 10 and 2 2 देखने हैं ना हमें, 2 1s भी देखने हैं, तो ये रहा, ठीक है ये हमारा 1 10 हो गया और ये हमारे 2 क्या हो गए 2 1s हो गए, ठीक है। ऐसे ही आपको ये जो 4 बचे हुए हैं इनकी मैचिंग करनी है, ठीक है आपको आगे के वंस भी काउंट करने हैं कि कितने वंस और कितने टेंस हैं। तो टेंस का तो बंडल सब जगह 1 ही है, इसमें देखो 1 10s 1 10s 1 10s 1 10s and 1 10s, है ना, तो सब में 1 1 1 1 1 1 1 सब में 1 1 10s है, ठीक है। लेकिन आगे हमें वंस को भी काउंट करना है, ओके और इसके भी हाफ पे आपको ये मैचिंग करनी है। टर्न योर पेज एवरीवन, पेज नंबर 24। यहाँ पे आई प्ले, आई प्ले में लेट अस लर्न टू राइट नेम्स ऑफ द नंबर स्टिल 20। यहाँ पे हमें नंबर नेम्स क्या करने हैं 20 तक लिखने हैं। ओके फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स ईच, योर टीचर विल गिव कार्ड्स विद नंबर्स एंड नंबर नेम्स फ्रॉम 11 टू 20 रिटन ऑन देम, टेक हेल्प फ्रॉम द चार्ट ऑफ नंबर्स नेम्स डिस्प्ले इन द क्लासरूम टू पेयर देम। ओके तो ये आई प्ले वाली जो एक्टिविटी है ये आप अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ कर सकते हो, घर पे ट्राई कर सकते हो, नहीं तो हम क्लास में
किसी भी दिन मैम आपको एक्टिविटी कराएंगी, ठीक है, फिर से मैथ की, तो उसमें हम इसको कर जरूर ट्राई करेंगे. ओके, नाउ मैच द नंबर्स विद देयर नेम्स. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये नंबर नेम्स लिखे हुए हैं, इनको हमें मैच करना है इनके नेम्स के साथ. ठीक है, कैसे, जैसे 11 है, ये 11 है हमारा, तो 11, 11 की स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे, ELEVEN 11, तो इसको हम यहाँ मैच करेंगे. ओके, देन 12, TWELVE 12, ये हम 12 के साथ मैच करेंगे. ओके, देन 13, तो 13 कहाँ है हमारा, THIRTEE 13, तो ये 13 से मैच करेंगे. ठीक है, ऐसे ही आपको 14, ये 14 है, FOURTEEN 14, 14 से मैच करेंगे. ठीक है, ऐसे ही आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आपको यहाँ जो बचे हुए नंबर नेम्स हैं, इनके साथ आपको इनकी स्पेलिंग्स को मैच करना है. ठीक है, चलो अभी हम क्लास में ही कर लेते हैं 15. अब 15 कहाँ है हमारा, 15 ये है, FIFTEEN 15, और 16 SIXTEEN 16, है ना. सब में आपने नोटिस करा, तीन TEEN की स्पेलिंग ऑलमोस्ट सब में सेम है. ओके, 17 SEVEN, 7 की स्पेलिंग आपको आती है ना, तो बस उसके आगे हमें क्या लगाना है, TEEN 17. ओके, ऐसे ही 18, 18 का है हमारा, 8, 8, 8, ये रहा EIGHT, 8 लिखते हैं ना, तो बस उसके आगे क्या लिखना है, EEN 18. उसके बाद 9, 9 की स्पेलिंग भी आपको आती है, NINE 9, उसके आगे भी हमें TEEN 19. ओके, लास्ट बचा हमारा 20, TWENTY 20. ओके, ये मैचिंग मैम ने आपको करा दी, सेम ऐसे ही आपको ये मैचिंग अपनी बुक में कंप्लीट करनी है. ओके, नेक्स्ट, मूव ऑन नेक्स्ट पेज. यस, आई प्रैक्टिस. अब जैसे हमने पीछे स्पेलिंग्स करी थी ना, यू नो द सेकेंड ऑफ डिफरेंट लेटर्स एंड द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द नंबर नेम्स एंड राइट देयर न्यूमरल इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 11 की स्पेलिंग को, जो फिल इन द मिसिंग नंबर है ना, मिसिंग लेटर्स हैं, इन्हें हमें फिल करना है और यहाँ पे उसकी नंबरिंग लिखनी है. ओके, 11, 11 की स्पेलिंग क्या होती है, ELEVEN 11. ओके, और यहाँ पे हमें लिखना है 11. ओके, ऐसे ही आपको 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ 20 तक आपको यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं और नंबर नेम्स के आगे इनकी स्पेलिंग्स के मिसिंग लेटर्स को फिल करना है. ओके, नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट हूं, इसमें एक ही गेम है जिसे हमें क्या करना है, डिफरेंट कलर पेंसिल से कनेक्ट द फॉलोइंग न्यूमरल्स विद देयर नेम्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स पेंसिल्स. ठीक है, अब आपको 10 तक की तो नंबर नेम सबको लर्न हो गए है ना, तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इन नंबर्स को इनके नेम के साथ मैच करना है. ठीक है, जैसे 3, अब 3 कहाँ पे लिखा हुआ है, 3 कहाँ पे लिखा है, तो हमें डिफरेंट कलर्स के साथ इनकी मैचिंग करनी है, मतलब इनको इनसे मैच करना है. ओके, देन 5 को हम दूसरे कलर के साथ कर सकते हैं, एक सेकेंड वेट, रेड कलर लेते हैं. फाइव को फाइव से मैच कर दिया. ठीक है, अब हम करते हैं 5 के बाद 6 को. सिक्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं बेटा. अब करते हैं, 6 हो गया,
अच्छा 5 और 6 में हमने सेम कलर कर दिया, ओके आप डिफरेंट कर लेना, ओके 8 को करते हैं, तो आपको इजिली इसमें डिफरेंट कलर्स दिखेंगे, ओके 9 को कर लेते हैं, नाइन, ठीक है। ऐसे ही आपको ये जो बी वाला पार्ट है ना, इसके आपको यहाँ पे 11, 13, 17, 19, 16 इनको इनके नंबर नेम्स के साथ क्या करना है, मैच करना है, इनको इनको मैचिंग करनी है डिफरेंट कलर्स के साथ, ठीक है। आप डिफरेंट पेन यूज कर सकते हो। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैम ने अभी आपको टेंस और वंस समझाए, तो ऐसे ही आपको ये टेन और वंस कंप्लीट करने हैं। जैसे 11, तो 11 में हमारा टेंस क्या है, 1, एंड वंस क्या है, 1, ओके 15 में हमारा टेंस क्या है, 1, एंड 5 क्या है हमारा, वंस, ओके ऐसे ही आपको सी और डी पार्ट करना है, ओके क्लियर एवरीवन। आई होप कि आपको ये समझ में आया, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज हमने कर ली है, कुछ थोड़े थोड़े से पार्ट मैम ने आपको होमवर्क में दिया है, ये आपको कंप्लीट करना है और मैम को होमवर्क सेंड करना है, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास, ओके बाय, टेक केयर एवरीवन, कल मिलेंगे।